जय श्री केदार। दोस्तों, मौसम इतना ख़राब हो चुका है केदारनाथ धाम का कि वहाँ से आने वाले यात्री भी दूसरे यात्रियों को सलाह दे रहे हैं कि फ़िलहाल आप अपनी यात्रा को स्थगित कर दें या फिर कुछ दिन के लिए विराम लगा दें। दोस्तों, ये हाल ही के नज़ारे हैं केदारनाथ धाम के कि इतनी भारी मात्रा में बर्फबारी हो रही है और वहाँ पर जो यात्री फंसे हुए हैं उन्हें पहाड़ी बीमारी हो रही है, क्योंकि वो लोग मैदानी इलाकों से गए और इतनी अत्यधिक ठंड का सामना उन्हें अचानक से करना पड़ा। तो मैं भी आप सभी को ये रिकमेंड करना चाहूँगी कि अगर आप भी ऐसे मौसम में जा रहे हैं तो अपना पूर्ण ख्याल रखें। आप देख सकते हैं केदारनाथ धाम की बर्फबारी के ताज़ा नज़ारे। फिलहाल वहाँ पर काफ़ी मात्रा में बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, और वो भी सबसे पहले। अभी फ़िलहाल मौसम ऐसा ही बना रहेगा दो चार दिन के लिए, बाद में मौसम खुलने का अनुमान लगाया गया है। तो आप अगर इस समय यात्रा पर हैं तो पहली बात तो ये कि आपको यात्रा पड़ावों पर ही रोक दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी यात्री अभी यात्रा पड़ावों पर फंसे हुए हैं। तो अगर आप घर से नहीं निकले हैं तो थोड़ा सा अपनी यात्रा को स्थगित कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सेवाएं भी फिलहाल रद्द कर दी गई हैं, अभी आप हेलीकॉप्टर से भी नहीं जा पाएंगे। मौसम इतना ख़राब है कि कहाँ नहीं जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की सेवाएं कब से सुचारू होंगी, इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। मई माह में श्रद्धालुओं को केदारनाथ धाम में बर्फबारी देखने को मिली जो वहाँ उपस्थित थे, इससे उनके चेहरों पर खुशहाली आई। उन्हें बहुत ही सुहाने मौसम का, अद्भुत मौसम का एहसास करने का मौका मिला। दोस्तों, फिलहाल यात्रा स्थगित है। जैसे ही यात्रा वापस से सुचारू होती है तुरंत से आपको अपडेट दे दिया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। अगर आप बच्चों और बुजुर्गों को अपने साथ में लेकर जा रहे हैं चारधाम यात्रा या फिर केदारनाथ धाम की यात्रा पर, तो उनका खास ख्याल रखना आप सभी की जिम्मेदारी बनती है। तो बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। साथ में अगर कोई लंबी बीमारी से ग्रसित ऐसे व्यक्ति हैं जो यात्रा पर निकल गए हैं, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, फिलहाल आप सभी को केदारनाथ धाम में बर्फ की सफ़ेद चादर चारों ओर देखने को मिलेगी। हालांकि प्रशासन बर्फ हटाने की तैयारियां शुरू कर चुका है, तो जल्दी ही जैसे ही यात्रा शुरू होती है हम आपको बता देंगे। तो इसके लिए आपको बिल्कुल छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हमारे अपडेट्स के लिए आपको बेल आइकन जो नोटिफिकेशन के लिए होता है उसे प्रेस करना है, ताकि जल्द से जल्द आपको अपडेट मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नई अपडेट के साथ, नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार, हर हर महादेव, जय माँ गंगे, जय बद्री विशाल।